नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि गूगल पे फॉर बिजनेस में दो जो ऑप्शन है सेटलमेंट का, डेली और इंस्टेंट का, तो उसमें अंतर क्या है। तो यहाँ पे भी सेटिंग से जा सकते हैं, यहाँ से भी, और यहाँ से भी आप सेटिंग से वहाँ पे जा सकते हैं वो ऑप्शन में। तो चलिए हम लोग यहीं से डायरेक्ट सेटिंग में चले जाते हैं और आपको बताते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। तो जैसे हम लोग सेटिंग में क्लिक किए तो कुछ इस तरह का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सेटलमेंट का ऑप्शन है, वहाँ पे जैसे क्लिक किए तो ये ऑप्शन आ चुका है इंस्टेंट सेटलमेंट का और डेली सेटलमेंट का। तो यही जानेंगे कि ये दोनों होता क्या है और इसमें अंतर क्या है और ये नुकसान फायदा क्या है, यही जानेंगे। तो सबसे पहले तो इंस्टेंट सेटलमेंट जान लेते हैं। तो इंस्टेंट सेटलमेंट में अगर आप ऑप्शन करके रखिएगा तो होगा क्या कि अगर आपको कोई भी पैसा भेजा आपके गूगल पे फॉर बिजनेस में, तो वो आपके तुरंत आपके खाता में चले जाएगा। जो प्रोसेसिंग में समय लगेगा उसको हटा के मतलब तुरंत ही आपके खाता में चले जाएगा। और डेली सेटलमेंट में ये होगा कि जितना भी आपका पेमेंट आएगा भर दिन में, वो सब यहीं पे जमा रहेगा, गूगल पे फॉर बिजनेस अकाउंट में ही जमा रहेगा और दिन के अंत में सारा जोड़ के आपके खाता में चले जाएगा। तो ये डेली स्टेटमेंट में सेटलमेंट में ये हुआ कि आपके पूरा भर दिन का जितना भी कलेक्शन है आपका, वो सारा दिन के अंत में आपके खाता में चले जाएगा। और इंस्टेंट सेटलमेंट में ये होगा कि अगर आपको एक भी रुपया कोई भेजा तो वो तुरंत आपके खाता में चले जाएगा। आप लोग को लगता होगा कि तब तो इंस्टेंट सेटलमेंट सेलेक्ट करके रखना होगा, लेकिन इसका कुछ नुकसान है जो हम आपको बता रहे हैं। तो इंस्टेंट सेटलमेंट में ये होगा कि मान लेते हैं कि आपका भर दिन में 10 ग्राहक आता है, ठीक है, तो 10 ग्राहक अगर आपको भेजा, अगर इंस्टेंट सेटलमेंट करके रखिएगा तो 10 10 मान के चलिए एक एक रुपया भेजा, तो होगा ये कि एक एक रुपया आपके खाता में घुसेगा 10 बार, तो उससे 10 गो एंट्री होगा आपके खाता में जब आप पासबुक को अपडेट कराइएगा, ठीक है। और इस डेली सेटलमेंट से ये होगा कि आपके मतलब 10 ग्राहक आता है तो मतलब जितना भी पैसा जमा रहेगा वो एक साथ एक एक रुपया अगर भेजा है कोई, तो एक साथ 10 रुपया आपका खाते में घुसेगा। तो इंस्टेंट सेटलमेंट में 10 एंट्री हो जाएगा आपका और डेली सेटलमेंट में सिर्फ एक ही एंट्री होगा, तो इससे पासबुक आपका भरने से बच जाएगा। तो अब बताइएगा कि आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करके रखे हैं और कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा, तो ज़रूर नीचे कमेंट करके बताइएगा। हम जानना चाहेंगे आपके राय को। और वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।